हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो की शुरुआत आज हम एक नए चैप्टर से शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम आपकी बुक में स्पेशल पर्पस बुक्स 1 के नाम से दिया हुआ है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि क्या हम लेजर अकाउंट्स को बिना जर्नल एंट्रीज पास किए बना सकते हैं? वेदर वी कैन मेक लेजर अकाउंट्स विदाउट पासिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज, और अगर बना सकते हैं तो हम क्यों जर्नल एंट्रीज बनाएं, क्यों हम उसमें इतना टाइम और एनर्जी लगाएं, डायरेक्टली हम ट्रांजैक्शंस को लेजर में क्यों ना पुट कर दें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेजर में ही क्यों ना पुट कर दें? तो इसका जवाब है स्टूडेंट्स, यस वी कैन मेक लेजर अकाउंट्स विदाउट मेकिंग एंट्रीज इन जर्नल। लेकिन स्टूडेंट्स, ये हम कभी भी एडवाइज़ नहीं करते हैं। हमेशा जर्नल एंट्री पहले बननी चाहिए। जर्नल एंट्रीज क्यों बननी चाहिए? पहले जर्नल एंट्रीज में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में, इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, डेट वाइज हम उसमें एंट्री करते हैं। अगर आप जर्नल एंट्रीज के बिना डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से आप लेजर बनाएंगे तो आप इस चीज़ को मिस करेंगे। सेकेंडली, जर्नल एंट्रीज के अंदर नरेशंस लिखी जाती है, लाइक कितना गुड्स परचेज किया गया या सेल किया गया, किस रेट से किया गया, कहाँ से किया गया। तो इस रेफरेंस का बहुत यूज़ रहता है, आगे कभी किसी ने भी देखना हो, रेफरेंस पर्पस के लिए बहुत यूज़ होता है। ये चीज़ हम फिर से लेजर में मिस करेंगे। लेजर में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि जहाँ नरेशंस लिखा जाए। तो इसलिए हमेशा एडवाइजेबल यही होता है कि फर्स्ट यू मेक जर्नल एंड देन गो फॉर द लेजर। बट इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका साइज बहुत बड़ा है, वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर न्यूमरस, वहाँ पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है एंड इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एंटर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल, जिसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। इस प्रॉब्लम को हमारे अकाउंटिंग सिस्टम ने भी समझा है और अकाउंटिंग सिस्टम्स ने जिस ऑर्गेनाइजेशंस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हैं उनके लिए कुछ सब्सिडरी बुक्स का अरेंजमेंट किया है, वेयर विदाउट पासिंग ऑफ एंट्रीज इन जर्नल वी कैन मेक डायरेक्ट एंट्रीज इन बुक्स। दीज बुक्स आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। स्टूडेंट्स, यूजली हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं? मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स कैश रिसिप्ट होती है या कैश पेमेंट होती है, गुड्स परचेज होता है या गुड्स सेल होता है, या गुड्स रिटर्न कर दिया या सेल्स वापस आई है हमारे पास, हमने किसी को गुड्स बेचा उसने हमें वापस कर दिया। तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स आप बोलो 80% ट्रांजेक्शन्स तो ऐसी ही होती हैं जिसमें कैश का लेन देन होता है या गुड्स का, गुड्स सेल या परचेज होती है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर न्यूमरस, वेयर इट इज बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एंटर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल, जर्नल इज सब डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स। देयर आर 8 सब्सिडरी बुक्स जर्नल इज सब डिवाइडेड इंटू 8 सब्सिडरी बुक्स। These subsidiary books are meant for recording transactions of similar nature. For example, in case cash receipts है या cash payments है तो उसके लिए cash book बना दी, और in case purchase of goods है या return of goods है तो आपने purchase book है और एक purchase return book है। इस तरह की books हैं, अभी हम यहाँ पर इसके बारे में discuss करते हैं। तो सबसे पहली book है, number 1 is cash book, फॉर कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। मीन्स जितनी भी कैश का रिसिप्ट होंगी या पेमेंट्स होंगी वो एक बुक में आ जाएगी,
सेकंड बुक है परचेज बुक, दिस बुक इज प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन एनी ट्रेड। थर्ड इज सेल्स बुक, सेल्स बुक इज प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड। फोर्थ इज परचेज रिटर्न बुक, गुड्स रिटर्न्ड बाय अस। हमने गुड्स खरीदा है, वो अगर वापस किया है तो परचेज रिटर्न बुक्स। फिफ्थ इज सेल्स रिटर्न बुक, इस बुक में कौन सी एंट्री होंगी, गुड्स रिटर्न्ड टू अस, गुड्स रिटर्न्ड टू अस। सिक्स्थ इज बिल्स रिसीवेबल बुक, इस बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस होंगी, एक्सेप्टेड बिल्स रिसीव्ड बाय अस। अभी इसका मतलब बताता हूं, बिल्स रिसीवेबल बुक जिनसे हमने पैसा लेना है, मतलब डेटर्स ने, डेटर्स को क्या करते हैं हम, बिल्स जनरेट करते हैं, बिल देते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेड बिल्स रिसीव्ड बाय अस, वो एक्सेप्ट करके हमको देते हैं कि यस वी विल मेक द पेमेंट। सेवंथ इज बिल्स पेएबल बुक, ये जो है इसकी अपोजिट है, हमने जो क्रेडिट परचेज किया हम एक्सेप्ट करते हैं और हम अपने क्रेडिटर्स को देते हैं, ये है एक्सेप्टेड बाय अस, एक्सेप्टेड बाय अस फ्रॉम, रिसीव्ड फ्रॉम आवर क्रेडिटर, फ्रॉम आवर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने हमें बिल भेजा कि आपको ये पेमेंट करनी है, हमने उसको रिसीव करके एक्सेप्ट करके उसको वापस दे दिया, तो मीन्स पैसा हमने देना है लेटर, तो बिल्स पेबल बुक। एंड एट्थ और लास्ट बुक इज जर्नल प्रॉपर, जो ट्रांजैक्शंस इन सब बुक्स में नहीं आ सकती हैं, जिनके लिए जर्नल बनना ही है, तो उन बुक्स को बोला जाएगा जर्नल प्रॉपर। दोज ट्रांजैक्शंस फॉर विच नो सेपरेट बुक इज अवेलेबल, नो सेपरेट बुक इज अवेलेबल। ठीक है, जिन ट्रांजैक्शंस की इन सब बुक्स में एंट्री नहीं हो सकती उसको जर्नल में बनाना ही है। तो ये सब्सिडरी बुक्स हैं, 8 सब्सिडरी बुक्स हैं, एक हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शंस दिया है, इन सब्सिडरी बुक्स को, इन सभी बुक्स को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ, क्या मतलब हुआ इसका, इट मींस जो ट्रांजैक्शंस की ओरिजिनल में यहीं पर ही एंट्री होगी, डायरेक्टली इन्हीं बुक्स में ही एंट्री होगी, जर्नल नहीं बनेगा। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम जर्नल को भी बोलते थे, क्योंकि सबसे पहले एंट्री किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जर्नल में होती थी,
अब अगर ये बुक्स हम मेंटेन कर रहे हैं तो दीज बुक्स आर ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। स्टूडेंट्स, इन बुक्स को बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, डिवीज़न ऑफ वर्क एंड सेविंग ऑफ टाइम। कैसे कि जो बंदा पहले जर्नल बनाता था, जर्नल एंट्रीज करता था, तो अब उसका काम जो है कम हो गया। अब एक सेपरेट बुक्स बनेंगी जो डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पर्सन के हाथ में होगी, तो डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया, जो पहले एक बंदा करता था अब वो दो चार छः आठ बंदे करेंगे काम, टाइम तो बचा ही बचा है इससे। तो अब हम सबसे पहले चलेंगे कैश बुक को लेके, हम कैश बुक पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल समझेंगे। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सब्सिडरी बुक्स में सबसे पहला नाम है कैश बुक का। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, कैश बुक, इसमें जितनी भी कैश की डीलिंग्स है, वेदर कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट्स, वो एंट्री किया जाता है। जैसे आपने लेजर में कैश अकाउंट बनाया होगा, ये एग्जैक्टली कैश अकाउंट की तरह ही है, लेकिन इसको हम बोलेंगे कैश बुक। डेबिट साइड में हम रिसिप्ट्स लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हम पेमेंट्स लिखेंगे। जिस तरह हम लेजर की बैलेंसिंग करते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह हम कैश बुक की भी बैलेंसिंग करेंगे। हम बैलेंस CD भी निकालेंगे, हम बैलेंस BD भी लिखेंगे, जिस बैलेंस को हमने आगे ब्रॉड डाउन करना है नेक्स्ट पीरियड के लिए। और ये इस बुक को हम प्राइमरी बुक बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे पहले एंट्री होगी, जनरल एंट्री तो बनेगी नहीं अब। तो यहीं से ही इसका जो बैलेंस BD होगा वो डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कैश बुक। नंबर वन, सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक इसको हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, ये भी बोला जाता है, सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकेंड इज डबल कॉलम कैश कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। और थर्ड इज पैटी कैश बुक। हम इन तीनों को बारी बारी समझेंगे, इन तीनों के ऊपर हम इलस्ट्रेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले हम लेके चलेंगे सिंगल कैश, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। सिंगल कॉलम कैश बुक, जस्ट लाइक आप समझिए लेजर अकाउंट बना रहे हैं, एग्जैक्टली सेम है, टी शेप में बनेगा। यहां पे डेट, पर्टिकुलर्स, एक हम लेजर फोलियो, मीन्स रेफरेंस नंबर, अगर लेजर बना है तो रेफरेंस नंबर किस लेजर से आया, पेज नंबर, देन रुपीज, डेबिट, अगेन ये डेबिट साइड हो गई, सिमिलर ऐसे ही बनेगा हमारा क्रेडिट साइड में, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड रुपीज क्रेडिट। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है स्टूडेंट्स। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ से कैश की एंट्रीज आएंगी, जो कैश रिसिप्ट्स या पेमेंट। इन केस कैश रिसिप्ट हुआ है तो हम उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, और इन केस कैश पेमेंट हुआ है तो हम इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर क्रेडिट सेल हुआ है या क्रेडिट परचेज हुआ है तो वो इस बुक में नहीं आएगी, या इन केस बैंक ट्रांजैक्शंस भी हैं वो भी इस बुक में नहीं आएगी। इस बुक में सिर्फ से कैश डीलिंग्स ही आएगी। अब हम डबल कॉलम कैश बुक को भी समझ लेते हैं। डबल कॉलम मीन्स यहाँ ये सिंगल कॉलम था, अब दो कॉलम हो जाएंगे, एक कॉलम कैश का हो जाएगा और एक हो जाएगा कॉलम बैंक कॉलम। हम इसी में बना देते हैं, एक कैश, डेबिट साइड में भी कैश एंड वन कॉलम इज बैंक। ये डेबिट साइड पोर्शन हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, तो हल्की सी लाइन डाल दीजिएगा, फिर से कैश एंड बैंक।
डबल कॉलम कैशबुक में जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं एज वेल एज बैंक की ट्रांजैक्शंस दोनों आ जाएंगे। कैशबुक में स्टूडेंट्स डेबिट बैलेंस हमेशा हायर होगा और क्रेडिट बैलेंस कम होगा, क्योंकि जो कैश हमारे पास अवेलेबल है एट द एंड ऑफ द मंथ और ईयर उसी को ही तो हम परचेजेस में या स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन बैंक में हो सकता है बैंक ने अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है तो बैंक कॉलम हमारा क्रेडिट में भी बड़ा हो सकता है, डेबिट में छोटा हो सकता है, लेकिन कैश कॉलम हमेशा ही आप देखिएगा डेबिट बैलेंस ही रहेगा। हम इन कैश बुक्स के न्यूमेरिकल पार्ट्स को अगले वीडियो में लिखते हैं। आज इस थ्योरी पार्ट को, इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझ लीजिए और हमारे कल के वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।